संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अलोपी बाग स्थित आश्रम में आराधना महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने व्यक्ति के जीवन में धर्म और अध्यात्म के साथ ही संत महात्माओं और गुरुओं के महत्व पर चर्चा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है सबको साथ लेकर चलना है। धर्म कहता है जो बलवान है दुर्बलों को लेकर साथ चलेगा। उन्होंने कहा कि इस आराधना महोत्सव से हम सबको कुछ लेना है, अपने जीवन में परिवर्तन करना है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संत महात्माओं और गुरुओं के महत्व को लेकर कहा कि कोई मार्गदर्शन नहीं होने पर लोग भटकते रहते हैं। संत महात्मा और गुरु जीवन के सार तत्व के बारे में बताते हैं, धर्म को आचरण से बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में आचरण से मार्गदर्शन की प्राचीन परंपरा रही है। संत महात्मा और गुरु जीवों को भटकने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं ने जो कहा है उसका परिशीलन कर कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुरु के बताए मार्ग पर 5 कदम भी चले तो उतना फासला जरूर कम होगा। मोहन भागवत ने कहा कि शंकराचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज सभी जीवों को एकात्म और समग्र दृष्टि से देखते थे। यही हमारी परंपरा और जीवन का आधार भी है। समाज को जगाने वाले महापुरुषों ने आध्यात्म को ही अपने जीवन का आधार बनाया है। गौरतलब है कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अलोपी बाग आश्रम में 8 दिसंबर तक आराधना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज की 150वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। एक पशु का जीवन न जीते हुए अपनी मनुष्यता का उदारीकरण करने में जीवन लगाता है, इसको श्रेष्ठ मानता है। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मानते श्रेष्ठ इसी को है। इसका कारण है कि जीवन का जो सार तत्व इन 3 को जोड़ने वाला चौथा है, उसके नित्य संपर्क में रहने वाले लोग समय समय पर उसको सभी प्रकार के जीवन की सृष्टि जीवन से लेकर व्यक्ति जीवन तक सबकी धारणा करने वाला धर्म आचरण से बताते हैं। वो सत्य को जानते हैं लेकिन उनके हृदय में करुणा होती है। ब्रह्म सत्यम जगत नित्या जीवो ब्रह्म ही बना परा, ये जानकर भी उन जीवों की करुणा के कारण वो इस लौकिक सृष्टि में स्वयं की एक तरह से लीला करते हैं और जीवों को भटकने से रोकते हैं। गीता में इसी गुणों को संग्रह किया कहा है, उन्मार्ग गामी होने वाले लोगों को सन्मार्ग गामी बनाना और अपने देश का सौभाग्य अपने राष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे यहां इस प्रकार पथ दर्शन करने वाले अपने आचरण से बताने वाले सत्य संगम महापुरुषों की परंपरा अखंड रूप से चलती आई है। परंपरा है, अनेक लोग हुए हैं, आगे भी होंगे। सूची बनाएंगे तो 1-2-3 हजार अगणित नाम आएंगे। नाम रूप सबके अलग अलग है परंतु अंतस में तत्व एक ही है और इसलिए ऐसे लोगों का स्मरण करना
ऐसे लोगों के जीवन का बार बार कथन सुनना, ऐसे लोगों ने जो किया है और कहा है उसका मनन परिशीलन करके उस पथ पर जितने अपने कदम हम बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा, हम एकदम उनके जैसे इसी जन्म में होंगे ऐसा नहीं। और इसलिए अपने समाज में ऐसा होते रहता है, होना चाहिए। ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद जी सरस्वती उसी परंपरा में से थे और इसलिए उनके शताब्दी महोत्सव के निमित्त उनके स्मरण का यह अवसर हमको प्राप्त हो गया है। जिनके आयोजन के कारण प्राप्त हो गया है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और बाकी यहां पर सब ऐसे महापुरुष हैं कि उनके सामने बहुत ज्यादा बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। और लेकिन एक बात है कि हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक है, बाकी सारी बातों से अलग कुछ अलग ही बात है, ऐसा नहीं है। जीवन को मनुष्य जीवन होना है, जीवन को भगवत्ता की तरफ बढ़ना है तो उसको आध्यात्मिक ही होना पड़ता है। आध्यात्मिक अलग, भौतिक अलग, ऐसा अलग अलग करके सबको देखने की वृत्ति, ये हमारी वृत्ति नहीं है। हम लोग एकात्म और समग्र दृष्टि से सारी बातों को देख रहे हैं। हमारा पारिवारिक जीवन उसका आधार भी वही है, हमारा राष्ट्रीय सामाजिक जीवन उसको भी शुद्ध बनाने वाला वही है। देखिए सारे समाज को जगाने वाले जितने महापुरुष हो गए उन सब ने अध्यात्म को अपना आधार बनाया। आप संत महात्मा सन्यासियों को लीजिए या सामाजिक जीवन में काम करने वाले, रविन्द्रनाथ टागोर लीजिए, गांधी जी लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लीजिए, वो भी कहते थे कि बिना धर्म के कुछ नहीं। धर्म कहता ऐसा नहीं, जो बलवान है उनको दुर्बलों की रक्षा करनी, वो सबको साथ चलाता है, सबको उन्नत करता है। और धर्म निकलता है अध्यात्म से, क्योंकि ये करने की आवश्यकता इसलिए धर्म समझता है कि इसके पास एक सत्य है, सारी दुनिया का अस्तित्व मूल में